जानी चले खेलते छोड़ते चल छोड़ते चले शेर थे वो शेर आई एक नई सी जिंदगी राग थी मुट्ठियों में बंद आग थी हर गले विजय वीर भूमि की वीर माँ के वीर बालकों की ये बात गलगबारों की जोर की ये बात वीर भूमि की वीर माँ के वीर बालकों की ये बात रे मांडोगढ़ से निकले बघेले निकले बघेले मांडोगढ़ से निकले बघेले चले ये देखो किरियारा चले ये देखो किरियारा ये देखो देखो उरी के परिहार मही पद्मा हिल रहा परिहार मही पद्मा हिल रहा हाथी पर रानी है मलना हाथी पर रानी है मलना संग पहने दिव्या तिल का मेला देखो चले जभी हाल सुनो इस महफिल का जाज मऊ में लागा लोगों बड़े ठाठ का एक मेला आज दूर दूर से जिसको देखकर चला है आदम अलबेला तो है देखे रे लोग हजार हो तो है देखे रे तो है देखे वो झट ना तू नौल काड़ ना झमेले में मांडोगढ़ के भगेले किरिया राय ओहो पूरे की माहिल राय परिहार जोहार ठाकुर जोहार आज तो बहुत दिनों के बाद टकराए जी कि मेले से ऐसी नायाब चीज खरीद कर ले आएंगे जो 36 रजवाड़ों में मगर यहाँ तो कुछ क्रिया राय नायाब चीजें बाजारों में नहीं बिका करती बल्कि ऐसी बेनजीर चीजें हासिल करने के लिए रजवाड़ों के खजाने उथल पुथल करने पड़ते यानी पहले ये बताओ तलवार पानीदार है यूं ही ठाकुर मानवगढ़ की सरकरी खा रहा है कि बेटे की तलवार पर वो पानी है जिसने बड़े बड़े पानीदारों के भी पानी उतार दिए हैं ये बात आओ मेरे साथ वो देखो वो सामने कौन है कोई भी हो तुम्हें इससे क्या मैं तो तुम्हें वो नायाब चीज दिखा रहा हूँ जो इसके गले में झूलती हुई सूरज की किरणों को चुनौती दे रही है जानते हो वो क्या है हाँ हार है हार नहीं नौलखा हार बावनगढ़ और 36 रजवाड़ों में कहीं देखी ऐसी नायाब चीज नहीं तो तो बस चीज मैंने तुम्हें दिखा दी अब तुम दिखाओ अपना पानी लेकिन जरा संभल के काम लेना यहाँ कन्नौज के राजा जयचंद की अमलदारी है कहीं ऐसा ना हो कि चूहा निकल जाए और दोनों दुम हाथ में रह जाए मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि नौलखा चला जाए और हार ही हार गले पड़े हार हार नहीं माहिल ठाकुर नौलखा हार
नौलखा हार, नौलखा हार। ये राजपूत नहीं, राजपूतों का चाकर मालूम होता है। अगर मेरा बस चले तो ऐसे कमीने का मुंह काला करके गधे पे बिठा के मेले में घुमाऊं। महारानी जी, ये इनका दूसरा साथी है और इसके कहने से ये पता लगा है कि ये मांडवगढ़ के पाठवी है। क्या, मांडवगढ़ के बघेले करिंघारा का बेटा? तो बघेलों के औरतें ऐसे चोर डाकू जनती हैं? ये तो एक बार पहले भी महुए पर चढ़ाया था। उस वक्त बनाफर सरदार देशराज और बछराज ने इसे हराया था। और आज उसी सरदार देशराज की रानी ने हराया है। आहा, अरे ये तो इत्तफाक है। खैर दीदी, तुम्हारा हार तो मिल ही गया है, अब इन्हें छोड़ देना चाहिए। नहीं भैया, इसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं होगा। हाँ, इसे कुछ ना कुछ दंड देना ही चाहिए। बेशक, इसकी पगड़ी उतारो और तलवार छीन लो। एक हारे हुए राजपूत के लिए यही सजा काफी। रख लो संभाल कर, अगर सच्ची राजपूतानी का दूध पिया हो तो आकर ले। अब जाने दो इसे। न जाने क्यों ये बनाफर खानदानी घड़ी अच्छी थी जो बच निकले सरकार, जान बची और लाखों पाए। इतना करने पर भी अफसोस तो इस बात का है कि हार हाथों में आकर निकल गया। अफसोस हार का नहीं, अफसोस तो इस बात का होना चाहिए कि मांडोगढ़ के बहादुर किरिया को एक तिरिया ने हरा दिया। मगर मैं इसका बदला जरूर लूंगा ठाकुर। अरे तुम तो बदला लेते ही रहोगे, मगर उसे तो बदला मिल भी गया। बदला मिल गया? हाँ, हार वाली ने वो हार तुम्हें हराने की बहादुरी के सिले में तुमसे हार छीनने वाली के गले में पहना दिया। क्या कहते हो? ये तो कुछ भी नहीं कहा ठाकुर, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। सुन सकते हो? कहो। हार पहनने के बाद उसने तुम्हारी पगड़ी को अपने पैरों से रोंदते हुए कहा, बघेलों की इज्जत आज बनाफरों के पैरों में लौट रही है, किसकी हिम्मत है जो इसे आके ले जाए। ये बात है तो मैं भी इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक उसके गुरूर से उठे हुए सर का सिंदूर न पहुंच दूंगा और बनाफरों के सर न कलम कर दूंगा, तब तक मांडवगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। ओ, बनाफरों के सर कलम कर दोगे? ये काम इतना आसान नहीं है किरिया राय, लोहे के चने चबाने होंगे। तो मेरी बत्ती सी भी फौलाद की है ठाकुर। मगर वो तो तुम्हारी बहन है। कौन बहन, किसकी बहन, कैसी बहन? राजपूतों के नाते रिश्ते तो घर की दहलीज तक ही रहते हैं। बहन नहीं, बल्कि यूं कहो बैरिन है। बैरिन? बहन और बैरिन? बात कुछ ऐसी ही है बघेले ठाकुर। कौन नहीं जानता, मोहबा की लड़ाई में मेरे पिता राजा परमाल से हार गए। मोहबा बचाने के लिए उन्होंने मेरी बहन मल्ला उनसे ब्याह दी। राजा परमाल मोहबा छोड़कर चले गए, लेकिन बाद में मेरी ही बहन ने परमाल देव को मोहबा में रहने के लिए उकसाया और हमें
मोहबा छोड़कर उरई जैसी एक छोटी सी जागीर में जाकर रहना पड़ा। ये तो मैं जानता हूँ ठाकुर। और जब तुम्हें मोहबे के धुरे पर उन बनाफर सरदार देश राज और वछराज ने हराया तो मेरी दूसरी दो बहनें देवला और तिलका बिना मेरी मर्जी उनसे ब्याह दी गईं और मुझे जबरदस्ती नौछे राजपूतों का साला बनाया। आज वो बनाफर महाराज की मूछ के बाल बने बैठे और मोहबा के असली मालिक माहिल राय परिहार को एक मामूली जागीरदार की हैसियत से दरबार में चाकरी देनी पड़ती है। और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। क्या करूं, जी तो कभी कभी चाहता है कि इन बनाफरों के सर काट के उरई के दरवाजे पर लटका दूं, मगर ये सोचकर तलवार बल खा के रह जाती है कि कहीं मेरी बहनें मेरे ही हाथों विधवा न हो जाए। चिंता न करो ठाकुर, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे अरमान पूरे कर दूं और अपने अपमान का बदला भी ले लो और साथ ही साथ नौलखा हार भी छीन लो। तो जाओ इन्हीं के पैरों पर पैर रखते हुए इनका पीछा करो। पूर्वा की गढ़ी जहां बनाफर खानदान रहता है मोहबे से 3 कोस दूर है, ना वहां फौज है और ना मजबूत पहरा। बस भाई मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम बेफिक्र रहो ठाकुर, मैं पुरवा को मटिया मेट करके ही दम लूंगा। पुरवा, पुरवा। तूने ही तो कहा था कि राजपूतानी का दूध पिया हो तो अपनी पगड़ी और तलवार ले जाना, बता कहाँ है? जरा मेरे हाथ में तलवार दे तो बताऊं कमीने। अच्छा तो तू यूं नहीं मानेगी, एक बार फिर पूछता हूँ, बता कहाँ है पगड़ी तलवार और नौलखा हार? चीजें तुझे इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं। ये बात है जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं जानता हूं तुम्हें अपने पति और पुत्र से ज्यादा नौलखा हार प्यारा है, बताओ नौलखा हार कहां है वरना उड़ाता हूं इनके। इस भूखे भेड़िये को नौलखा हार बता दो, जब हमारे जीवन का सच्चा सिंगार मिट चुका तो वह झूठा हार किस काम का, बता दो जीजी बता दो। कमीने उठा ले, उस पेटी में रखा है और उसी में तेरी पगड़ी भी पड़ी है। याद रख, तुझे एक दिन इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। देखा जाएगा। इस वक्त तो बहादुर क्रिया राय बघेले ने अपनी पगड़ी अपमान के बदबू के सर और दंड में नौलखा हार लेकर मानवगढ़ की ताकत के झंडे गाड़ दिए हैं। लूट लो पुरवा को, जितना लूट सको लूट लो और आग लगा दे इस महल को। पिताजी मोहे की तरफ से बनाफरों जो इनाम में मिली थी वो सब ले आए हैं। वो है पंशावर हाथी,
जो लड़ाइयों में फतह दिलवाता है, वो है पपिया घोड़ा, जिसके लिए सुना है वो आसमान में उड़ता है, और पुरवा से जितना भी जेवर मिला चुन चुन कर ले आए हैं, और उनमें से ये है मुल्क मशहूर नौलखा हार, जो किसी भी रजवाड़े के पास नहीं है। शाबाश। लेकिन ये सब मिला कैसे? न फौज गई न लड़ाई हुई। कैसे भी हो, और ये कौन है? ये है महुबे की मशहूर नाचने वाली लाखा पातूर, ये भी बनाफरों को इनाम में मिली थी, जो हमारी जीत का इनाम है। अब ये हमारे सामने नाचा करेगी। नहीं, मैं हरगिज नहीं नाचूंगी। चोर और डाकू की तरह रात के अंधेरे में सहन मारकर सोए हुए बहादुर बनाफरों के इस तरह को डाल लाए, इसे तुम जीत कहते हो? सर, ये तुमने क्या किया? सब ठीक ही किया है। छल से या बल से दुश्मन को धूल में मिलाना ये राजनीति है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए महारानी कि आज तुम्हारे बेटे ने वो काम किया है जो 52 गढ़ 36 रजवाड़ों में कोई न कर सका। मैं जरूर खुश होती अगर ये लड़ाई के मैदान में अपनी तलवार से इन सरों को काट कर लाता, मगर चोरों की तरह सोए हुए आदमियों की गर्दन काटने वाले पर मैं लानत भेजती हूँ, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। धिक्कार है ऐसी बहादुरी पर। समर सिंह, ले जाओ इन सरों को और महल के दरवाजे के बीचों बीच लटका दो। आखिर है कि बनाफरों की रानियों ने कौन से नहार पैदा किए हैं जो आके इन सरों को ले जाए। ले जाओ। नहीं, ऐसा न कीजिए, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, इन्हें मौका पहुंचा दीजिए ताकि इनकी रानियां इन सरों को गोद में रखकर सती हो सके। आप भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रानियों का परलोक न बिगाड़िए। क्षत्राणी होकर आंसू बहा रही हो? तुम्हारी आंख में आग के बदले आंसू? ये आंसू नहीं, खून की पिचकारियां। उन हत्यारों ने, उन हत्यारों से बनाफर सरदारों के खून के एक एक कतरे की कीमत चुकाई जाएगी। हम लोहागढ़ की ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम चिंता न करो। तो क्या महाराज लोहागढ़ पर चढ़ाई कर रहे हैं? नहीं तो क्या चुपचाप बैठे रहे? बेशक, महाराज ने क्या चूड़ियां पहन रखी? वो डाकू मोहबे के सीने पर तेग नचाकर चला जाए और मोहबा पहलू भी न बदले। माहिर, तुम सेना के साथ कूच की तैयारी। जीजा जी, मैं फौज? पुरोहित जी, जल्दी से मुहूर्त निकालिए। मगर इस समय चढ़ाई करना अच्छा नहीं महाराज। कारण? इस समय मोहबा राज के लिए 8वें चंद्र और 12वें राहु चल रहे हैं महाराज। 8वें चंद्र और 12वें राहु? इसीलिए बनाफर जैसे हमारे सेनापति इस तरह मारे गए। महाराज, महाराज जब सितारे ही गर्दिश में हैं, तो मेरे और फौज के जाने से भी क्या होगा? क्यों, ठीक है ना प्रभु जी? तब तो हमारा सती हो जाना ही अच्छा है। हाँ जी जी, धीरज रखो बहन, सती होने से पहले उनका तो ख्याल करो जो तुम्हारे पेट में पल रहे हैं। जब तक तुम्हारे बच्चे जमीन की गोद में पलकर जवान न हो जाए, उनकी तलवारें अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए म्यान से बाहर न आ जाए, तब तक तो तुम्हें जीना ही होगा। तुम्हारी वीर संतान ही तुम्हारी जलती हुई छाती को ठंडा करेगी। तो मैं अपना सुहाग चिन्ह उसी दिन कीरत सागर में बहाऊंगी, जिस उतारने वाले का सर मेरे पैरों में पड़ा होगा। Come with me.
उसने सरदारों के सर महल के दरवाजे के बीचों बीच लटकाए और बड़े गरूर से कहा कि देखना है बनाफरों की रानियों ने कौन से नहर पैदा किए हैं जो इन सरों को यहां आकर ले जाए। रानी जी, मैं खून का घूंट पीकर रह गई हूं। अपने जज्बात को दबाकर मुझे उनके सामने नाचना पड़ा, इसलिए कि मैं उनका विश्वास पाकर अपने मालिकों का बदला लेने का रास्ता निकाल सकूं। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मोहबे के ना हरा कर मेरे मालिकों के सर उतारने वाले का सर उतार ले। आपकी चाकल्ला
है माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मत कहा मोहब्बत के नाम में। अरे आला, उधर कहाँ चले बेटा? माँ, मैं तो बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। फिर मल ब्रह्मा के साथ घोड़े दौड़ाऊंगा, उधर की उधर जाना। मैं ढेवा को साथ लेकर शिकार खेलने जा रहा हूँ माँ। लेकिन बहुत दूर न जाना। माँ तुम बेफिक्र रहो, मेरा घोड़ा बेंदुला एक दिन में 300 कोस की मंजिल कर सकता है। अच्छा माँ। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मोहब्बे के नहर आकर मेरे मालिकों के सर उतारने वाले का सर उतारे। नहीं नहीं लाखा, अरे तो
ये तुम के खेलने को देख दिन। मलखान बेटा जल्दी आना। अच्छा माँ। मेरे शिकार पर तीर क्यों चलाया? तुम्हारा शिकार मेरे तीर के सामने क्यों आया? लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कई कोस से इस शिकार का पीछा करता हुआ चला आ रहा हूँ। इससे क्या हुआ? ये शिकार मेरा है। तो क्या इस हिरन पर तुम्हारी मोहर लगी हुई है? इसका फैसला जबान से नहीं तलवार ही से हो सकता है। निकालो अपनी विरोही। संभल। ये क्या कर रहे हो? क्या बात है? क्या हुआ? हुआ क्या? अरे होगा क्या, ये देखो एक शिकार और दो शिकारी। अब झगड़ा ना हो तो क्या हो, फैसला हो तो पता चले कि कौन शिकार और कौन शिकारी। नहीं, 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 मेरा मतलब ये है कि किसने शिकार किया, इन्होंने या इन्होंने। तुम चुप रहो। चुप है जी। एक तो हमारी हद में शिकार खेलने चले आए हो और ऊपर से सिरोही चमकाते हो। जैसे मैं तो तुम्हारी सिरोही देख कर डर ही जाऊंगा। तो दिखाओ ना अपना जौहर। अरे ये तो कब से दिखा रहे हैं अपना जौहर, मगर तुम्हें दिखता कहाँ है? देखते नहीं चेहरे पे कैसी मासूमियत झलक रही है। तुम लोग अपने आप को समझते क्या? अजी समझते तो बहुत कुछ है मगर मगर क्या करें। हो जाओ तबाना, जाओ जाओ। और ये शिकार भी तुम्हें दिया, जाओ जाओ ले जाओ, जाओ जाओ। जैसे दान धर्म कर रहे हैं। चलो तुम भी किसके मुंह लग रहे थे? क्यों क्यों? अरे भाई अगर सिरोही खींचनी थी तो किसी मर्द के सामने खींची होती। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे भाई मीठी जुबान, चेहरे की मासूमियत, गुदगुदी कलाइयां, हाथों में लगी हुई हल्की हल्की मेहंदी, साफ साफ तो बता रही थी कि वो कोई मर्द नहीं लड़की थी। अच्छा। अरे रे, अरे 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 फिर उधर को चल दिया। अरे भाई वो लड़का थी, नहीं नहीं लड़की था। तेरे की मुझे भी क्या सूझी। देख चलो पंडित देवा जी, तब तक तुम यहीं बैठकर अपनी पोथी देखो। अरे ओ बहादुर शिकारी जरा सुनो तो। क्या है? तुम्हारा नाम पूछना तो मैं भूल ही गया। नाम से तुम्हें क्या काम? अरे वाह, काम कैसे नहीं? तुम जैसे बहादुर शिकारी का नाम जानना बहुत जरूरी है। शेरों के नाम नहीं हुआ करते। शेर? अरे बहादुर तुम तो वाकई शेर मालूम होते हो। ये क्या? कोई पीठ तो तुम्हारी काफी मजबूत है और ये कंधे, आहा ये भी बहादुरों जैसे हैं। और ये हाथ, वाह 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 वाह, जैसे लोहे के खंभे। और ये उंगलियां, तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना ही कि जब तुम जैसे बहादुर शिकारी बिना तीर तलवार के ही शिकार कर सकते हैं तो फिर इन हथियारों। चुप रहो। चुप कैसे रहूं दोस्त, अभी तो तुम्हें एक नेक सलाह और भी देनी। दबाना नहीं सीखा है मगर ये तो दिल पर भी जादू गया। ना जादू सीख चुकी हो उतना ही बहुत, इससे ज्यादा अब मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा और इस जादू का निवारण भी नहीं बताऊंगा। कारण गुरुदेव? तुम अभी नादान हो, कहीं खेल कूद में ही हमारे सिखाए हुए जादू का प्रयोग कर बैठी तो न जाने क्या होगा। ये हमेशा याद रखना कि अपनी न करना। बहुत अच्छा।
अब जाओ, रात हो रही है। कहाँ गई थी इतनी देर पर? झिलमिला गुरु के पास भैया। अच्छा, तो अभी तक जादू सीखना तुम्हारा जारी है? हाँ भैया। अरे हाँ बिजवा, मौसी की लड़की की शादी में माताजी के साथ में सिरों जाना होगा। तो लाखा भी हमारे साथ जाएगी ना भैया? हाँ हाँ जरूर जी, वो खबर के लिए भी नहीं छोड़ती। हमारी पोथी ने सब कुछ बता दिया है। क्या? यही, बस यही कहती पोथी, सुन रे डब्बू, नैना दो से हो गए चार, करने गए शिकार शिकारी, पर खुद ही बन गए शिकार। अरे हाँ भाई देवा, ओहो कल फिर शिकार के लिए चलेंगे। भाई वाह, कल कैसे जा सकते हैं? क्यों? अरे भाई माहिल मामा आ रहे हैं, उरई जाने की तैयारी। शादी? यानी मेरी शादी? और नहीं तो क्या, तेरे बाप की? इन अभी तक गिल्ली डंडे से खेलता है। देख देख देख, तेरी बुआ के बेटे आला उदल मनखान वगैरह है ना, उन लोगों ने तीर तलवार चलाना सब कुछ सीख लिया है, और निशाना तो ऐसा लगाते हैं कि बस। ददवा, निशाना तो मैं भी खूब लगाता हूँ। हाँ। अच्छा? हाँ, एक रोज मैंने गुलेल से एक लड़के की आँख फोड़ दी। कौन है तू? जी हाँ, आँख फोड़ दी थी। मगर मैं पूछता हूँ, तूने किसी की आँख का निशाना क्यों बनाया बे? वो तो हुजूर, निशाना तो सरकार ने उसकी पगड़ी को बनाया था, लेकिन जरा जरा सा चुक गए, जरा बीच में कंधा गया था। तुम दोनों गधे हो। सरकार गधा। अरे अरे अरे, ये क्या बजा रखा तुम दोनों ने? हटवे। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, राजकुमारों की तरह रहना, न ज्यादा हंसना न ज्यादा बोलना है। अरे कुछ समझा 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 दो। कुछ समझा समझा नथवा। नथवा, शादी में क्या क्या होता है? शादी में, शादी में ताशे, ताशे, बताशे, तमाशे, तमाशे, बराती, बराती, आतिशबाजी। जी को लेकर आती हूँ, आप जरा इनका ख्याल रखिए। अरे चलो ना, चलो दूल्हा मंडप में आ गया, जल्दी चलो 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 भाई चलो, वो तो ठीक हो जाएगी, चलो 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 भाई।
मैं कहाँ? आप? हाँ मैं बराती हूँ। आप ऊपर से गिर गई थी। तो क्या आप ही ने बचाया है मुझे? जी, और क्या करता? जब आप ऊपर से गिर ही पड़ी और मेरे ही ऊपर, तो कम से कम मुझे अपनी जान बचाने के लिए आपको अपनी गोद में संभालना ही था, वरना मैं दबकर चटनी हो जाता। शुक्र है कि आपकी चटनी नहीं थी। और शुक्र है कि आप ही बाल बाल बच गई। क्यों ना बचती, आप जैसे बहादुर राजपूत। अरे हाँ, आपका नाम पूछना तो मैं भूल ही गई। नाम से आपको क्या काम? अरे वाह, काम कैसे नहीं, ऐसे बहादुर राजपूत का नाम जानना तो बहुत जरूरी है। शहरों के नाम नहीं हुआ करते। आप शायद कहीं के राजकुमार मालूम होते हैं। जी, और आप शायद कहीं की राजकुमारी मालूम होती है। जी भाई वाह, अजीब इत्तेफाक। कैसा? यही आतिशबाजी का चलना, मेरा उधर से गुजरना, आपका ऊपर से गिरना और मेरा आपको संभालना। कौन जानता था कि दो शिकारी फिर इस तरह टकरा जाएंगे। अरे उस्ताद, कहाँ हो? भाई वाह, अपने राम वहां कुओं में तुम्हारे लिए बांस डाल रहे थे, और तुम, आप कौन है? आप एक राजकुमारी हैं। राजकुमारी? मगर आप तो कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, इन्होंने बचा लिया। अच्छा, हम तो घबरा गए थे। बेटा, हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। धन्यवाद। चलो बेटी। आप वाकई बहादुर हैं। क्या नाम है आपका? उदय सिंह बनाफर। बनाफर? तो क्या आप उड़े के नहीं है? हम मोहबे के हैं। मोहबे के? हाँ, नाम सुना है मोहबे का। चले सिरोही जब वीरों की, तब बह चले रक्त की धार। बड़े लड़ैया मोहबे वाले, इनसे हार गई तलवार। तो क्या आप आला राय के? हाँ, उनके छोटे भाई, यानी कि देवला रानी के छोटे कुंवर। उदल? अरे उदल भाई वाह, तुम यहाँ बैठे। पता है वहाँ अभय मंडप में भी पहुँच गया है। उसकी साली सलेज उससे मजाक कर रही होंगी, और तुम उसके छोटे भाई होकर यहाँ बैठे हो। अरे वो तो बात नहीं कर सकता, कोई जवाब देने वाला भी तो होना चाहिए। अजी तो क्या हुआ, हम अभी जाते हैं, ऐसा तोल तोल कर जवाब देंगे कि 52 तोले और पांव रखती। मामा आप बेफिक्र रहिए, चलो। शाबाश शाबाश। हाँ, हाँ, हाँ। बनाफर, बनाफर। क्यों लल्ला, बोलते क्यों नहीं? क्या गूंगे हो? अभी तक माँ ने बोलना नहीं सिखाया। सुना है इनकी माँ भी गूंगी थी। बोलो, कुछ तो बोलो। दादू माँ ने कहा है कि ज्यादा बोलना नहीं। और मैं ज्यादा हंसू? कुछ तो बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? अजी जवाब तो हम देंगे, हमसे पूछो क्या पूछना है। ऐसा तोल तोल कर जवाब देंगे कि जिसका जवाब ही ना हो, समझी? तुम कौन हो जवाब देने वाले? ये दूल्हा के छोटे भाई हैं। और तुम क्या दूल्हा की नाई हो? नाई नहीं, पुरोहित। क्या? हमारे यहाँ तो नाई और पुरोहित दोनों बराबर समझे जाते हैं। अगर ऐसा ही है तो सिरंज वाले नाइयों के पैर पूछते होंगे। इसलिए तो हम इनके पैर पूज रहे हैं। फिर हमें ही क्यों बाकी रखती हो भगवान? कर दो हमारी भी सगाई। अरे बना लो हमें भी नाई, ताकि हम भी बने किसी के जवाई। ठीक कहता है दूल्हा का छोटा भाई। इसके पहले जरा सूरत तो देख लो अपने शीशे में। अजी शीशे में क्या देखें, सूरत तो ऐसी है पर हाथ से लड़कियां गिरती हैं। क्यों भाई,
कहते क्यों नहीं? बात को तो सभी जानते हैं। क्यों जी? मुझे क्या मालूम? क्यों जी, मेरा कमरबंद भी ले चली? ये क्या मजाक है? क्या हुआ, जरा खोले तो। ये तो बड़ी मजबूत बन गई है। अरे ये तो मंडप के नीचे की गांठ है। जी हाँ, ये मंडप जीवन भर नहीं खुल सकती। अच्छी बात। जैसे हो गूंजता सुरीला सुर किसी सितार का, लगता मधुर मधुर मुझे बंधन तुम्हार प्यार का। जैसे हो गूंजता सुरीला सुर किसी सितार का, लगता मधुर मधुर मुझे बंधन तुम्हार प्यार का। आतिशबाजी चली थी, उसकी कोई चिंगारी तुम्हारे दिल पर भी आ गिरी है। हटो भी, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। मजाक? लगता मधुर मधुर मुझे बंधन तुम्हारे प्यार का, क्या ये भी मजाक था? सिर्फ मजाक। मगर मैं देख रही हूँ कि मजाक सच हो रहा है, चिंगारी अपना असर कर रही है और आग धीरे धीरे सुलग रही है। मैं नहीं समझी कि तुम क्या कह रही हो। बनो मत, ये शमाई हुई आंखें सब कुछ बता रही है। मगर देख लो, ये राह कांटों से भरी हुई है, इस पर चलना आसान नहीं। एक अनजाने परदेसी को मेहमान बनाकर अपना सब कुछ निछावर कर रही हो। मगर तुम्हारे पिताजी और भैया को ये प्यार का बंधन पसंद ना आया तो? एक राजपूत कन्या अपने प्रेम के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है, तब तो मेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारी? तुम्हारी कौन सी मुराद? तुम्हारी मुराद तो मेरी मुराद, तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए, बस मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, उसके दिल का हाल कौन जाने? मैं जानती हूँ, ये मुमकिन नहीं कि इधर आग हो और उधर धुआं भी ना हो। तो तुम्हारा मतलब है कि वो भी? हाँ, जख्मी हो जिगर और दिले हमराज न भूले, मिजराब लड़की और साज न भूले, अगर विश्वास न हो तो काम करो। क्या?
देख के नहीं चलते? कौन है तुम? हम उरई के छेला। उरई के छेला यानी तुम बराती हो? हाँ जी, आप बराती, घराती, खैराती सब कुछ है। अच्छा, तो तुम खैराती भी हो? अजी, खैराती तो ऐसे हैं कि तुम कहो तो अभी तुम पे जान निछावर कर दे। तब तो तुम वाकई दिल वाले हो। दिल? अरे दिल की क्या पूछती हो, दिल के तो भंडार भरे पड़े हैं हमारे घर। कहो तो दो चार तुम पे भी भेज दे। अरे दे दे दिल। अगर मेरा एक काम कर दो तो मैं जानू कि वाकई तुम वही हो जो तुम कहते हो। क्या? दिल वाले? दिल 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 दिल। अरे एक क्या, दस बीस काम कर दे। भला आप कहें और हम न करें, कभी हो सकता है? अच्छा एक बात सुनो। उदय सिंह, अरे वो तो शेर है शेर, और जरूर आएंगे। अच्छा? हाँ, वो तो आने ही वाले, उनका तो कह कह। सागर से क्यों मिलो, सागर से क्यों मिलो रे? चंदा से जूं चकोर रे, चंदा से जूं चकोर। ज्योति मेरे नयन की तू, ज्योति मेरे नयन की तू, मोती मेरे सिंगार का लगता मधुर, ओ लगता मधुर मधुर मुझे बंधन तुम्हारे प्यार का। इस प्यार के बंधन को तोड़ तो ना दोगे कहीं? भूल तो ना होगे हम? जो चीज आंखों से उतर कर दिल में समा गई है उसे भूल जाऊंगा? और फिर ये कंगन भी तो मुझे तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। तो फिर मुझे भी कुछ ऐसी निशानी चाहिए जो हर वक्त मेरे पास रहे। अच्छा तो ये लो। अच्छा तो फिर कब मिलोगे? जब बुलाओ। तो अगली पूनम पर उसी शिकार वाली जगह पर? शिकार जरूर आएगा। तो शिकारी भी हाजिर रहेगा? लेकिन यहाँ तो शिकार और शिकारी दोनों शिकार बन गए हैं। जाओ, खुशियाँ मनाओ, नाचो। ये क्या हो रहा है? अच्छा कार, अब खुशियाँ मनाइए। अब मैं कहता हूँ सब कुछ तय हो गया, दूसरी शादी की तैयारी करवाइए। दूसरी शादी? हाँ जी सरकार, यही तो गड़बड़ है। चुप बे, गड़बड़ का बच्चा। साफ साफ तो कहता नहीं, पहेलियां सी पूछता है। क्यों बे, तू मेरे भी कान काटने लगा? चल जरा उंगलियां चटका दे। नहीं माए बाप, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। उस बरगद के नीचे उदन राय आए, वो आई है? वो कौन बे? यही तो बात है सरकार, वो है ना, वो राजकुमारी, वो। अरे कौन सी राजकुमारी? हाँ। बकता क्यों नहीं? किरिया राय की बहन। किरिया राय की बहन? हाँ वही, गोरी गोरी सुराईदार गर्दन, लंबी भौं, गुदगुदी कलाई, उसने मेरे सामने उदन राय को कंगन दिया। कंगन दिया? हाँ यही तो, बस सब कुछ तय हो गया है। अब तो मुंह मीठा कराइए सरकार। चुप है बेवकूफ कहीं का। मुझे एक जरूरी बात और भी तुम्हारे कानों में डालनी थी। जरूरी बात? हाँ भाई, तुम अपने हो इसीलिए कहना पड़ता है। ठाकुर, सिर कटने का मलाल नहीं होता, लेकिन नाक कटने का बहुत होता है। किसकी नाक कटने का?
मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, जरा साफ साफ कहो। यही तो बात है, माहिल की बातों का मतलब समझना जरा मुश्किल। वो बनाफर है ना, बनाफर। बनाफर? क्या वही जिनके सर मेरे दरवाजे पर लटके हुए हैं? हाँ, उन्हीं के लड़के हैं ना भाई। तुम तो जानते हो, चूहे के बच्चे जमीन ही तो खोदेंगे, कुछ मकान खड़े करने से तो रहे। तुम बेकार की उलझन में डाल रहे हो ठाकुर। क्या करूं, ऐसी बातें जरा आड़ी टेढ़ी और तिरछी ही गले उतरती। अच्छा, अब बात ये है कि तुम बिजमा, हाँ, उसे जरा हिफाजत में रखो तो अच्छा है, क्योंकि कंचन और कामनी ये निगरानी में ही रहने चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो ठाकुर? अरे क्या कहूं, जी तो नहीं चाहता कहने को, मगर कहना ही पड़ता है। मैंने सिरोंज में कुछ ऐसी ही बात देखी थी। कैसी बात? बनाफर का एक लड़का तुम्हारी बहन के पीछे पीछे घूम रहा था। क्या उसकी ये जुर्रत? हाँ हाँ हाँ, पूरी बात तो सुन लो। सिर्फ घूमना ही क्या, लुक छिप के मिलना भी शुरू कर दिया, वादे भी होने लगे हैं। हेलो, कहाँ जा रही हो? शिकार खेलने जा रही हूँ भैया। कोई जरूरत नहीं शिकार विकार खेलने की। क्यों? क्यों क्या, मेरी मर्जी। लेकिन आज तो जाने दो भैया, मैंने माँ से भी पूछ लिया। मैंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, आज से तुम्हारा महल से बाहर जाना बंद। उसने आने का वादा किया था, न जाने अभी तक क्यों ना आई। अरे भाई, प्रेमी से मिलने के लिए सिंगार पिटार भी तो करना पड़ता है, इसलिए देर हो गई होगी। मगर अब तो बहुत देर हो गई, अब तक तो आ जानी चाहिए। लाखा, अब क्या होगा, मैं तो यहाँ पिंजरे में बंद हो गई और वो वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी मुश्किल है। मुश्किल कैसी, तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान है, जादू तो जानती हो, किसी को परिंदा बनाकर संदेशा पहुंचा दो। नहीं लाखा, गुरु यही तो मुश्किल है, नाम पता पूछने का वक्त ही कहां मिला। भाई वाह, लंबी लंबी मुलाकातें हुई, प्रेम की मीठी मीठी बातें हुई, मिलने के वायदे हुए और फिर भी नाम और पता पूछने का वक्त नहीं मिला। भाई वाह, कहने वक्त कह गए हैं, प्रेमी पागल होते हैं जी कहने वाले। तुझे भी इसी वक्त मजाक सो जाए। अच्छी बात है, चुप रहता हूं। मगर अब ये बताओ कि प्यास से गला सूख रहा है, अब चलना है या नहीं? मगर मेरी आंखें तो प्यासी ही रह जाएंगी। अरे फिक्र मत करो, जैसे जैसे इधर तुम्हारी आंखों की प्यास बढ़ती जाएगी, वैसे ही उधर प्रेम की आग भी बढ़ती जाएगी। फिर वही मजाक? अच्छा बाबा, भूल हुई, अब चलो भी। यहाँ से कुछ ही दूर मामा के गांव का पनघट है, वहां कम से कम मेरी प्यास तो बुझेगी। अरे भगवान, जरा सा पानी पिलाओगी? कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? बड़ी दूर से आए हैं, मुसाफिर हैं। नाम ठाम पूछकर क्या करोगी, पानी पिला दो। ये लो पानी, पियाई बे को मना कौन करत, पर नाम ठाम तो पूछना ही पड़त है, परदेसी दिखातना ही मिट्टी के घड़े हैं। अरे हम मोहब्बे से आए हैं, जात के क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं। लो अब तो पिलाओगी पानी? ये घोड़े और हम सब प्यासे हैं। तू पियाए देरी गौरिया, मुहे तो जल्दी जानू है, रोटिन को देरी हो गई तो पचासन गारी सुननी करेंगी, तो मोह हूँ तो जल्दी जानो है। और फिर आदमी को पेट तो भर हो जाए, घोड़ा की प्यास बुझाए के लिए भूता कौन के पास है, खींचत खींचत हाथ में छा लेना पड़ जाएंगे। अरे सोनिया, तू पिया दी जोरी। दैया रे दैया, मुझे जो देर हुई गई तो साथ की गारिया कौन सुनी है तू? ये
ये तो धीरे धीरे सब खिसकने लगी। ए, जरा पानी पिला। हैरान, तुम तो ऐसे लाल पीली आंख दिखाते हो जैसे कि हम तुम्हारो ही दियो खाते हैं। प्यास लगी है तो ये परी है रस्सी और डुलिया, खींच लो और पी लो। देख लिया, मामा के गांव की पिनहारन है ये। ये यूं नहीं मानेंगे। ए, जो का कर। ओ मारा। हाँ, वो मारा। दुहाई है ठाकुर, दुहाई है। बड़ो अंधेर होने लगो है उरई में। चाहे जो परदेसी आएकर हमारी बहु बेटियन पर जुल्म कर जात है। मटका फोड़ दियो घर वालिन को। मटका फोड़ दियो तो उसमें मैं क्या करूं? ददुआ बाहर गांव गए हैं, उनको आने दो। हाँ, क्यों मत हुआ? नहीं अंदाजा, ददुआ नहीं है तो क्या हुआ? आप पाठवी है, ददुआ के बाद तो आपको ही राजा बनना है। हाँ, राजा। हाँ? तो जान ले अपना गिलीडंडा। हाँ। अगर सर से धड़ अलग न कर दूं तो? लेकिन सरकार, गिलीडंडे से क्या होगा? क्यों क्यों? तलवार लीजिए, तलवार। तलवार, तलवार। तो तलवार ही सही। हाँ। नथुआ, तलवार जरा हल्की सी हो। हाँ, हाँ। नथुआ, जरा सुन तो, भारी मत उठा लाना। हाँ, फूल सी अंदाता। कहाँ है वो परदेसी? गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ रे? हुआ क्या अन्नदाता, आपका हिरन उन लोगों ने मार दिया। हिरन मार दिया? हाँ। मेरा हिरन मार दिया? किसने? अरे वो नथुआ, तो ये क्या कहता है? क्या सरकार? मेरा हिरन मार दिया, अब क्या होगा? हिरन मार दिया? हाँ। तब तो हिरन मारने वाले के लिए दूसरी तलवार भी चाहिए सरकार। दूसरी? जी हाँ, अभी ले आया। किधर है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? किधर है वो? कहाँ है वो? देखिए, वो देखिए सरकार। अरे, ये तो अभय सिंह और नथुआ है। ये दो दो तलवारें लिए क्यों आ रहे हैं? शायद वीर चढ़ा होगा। तुमने मेरा हिरन क्यों मारा? तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत तो इतनी है कि तुम्हारा हिरन तो क्या, शेर भी होता तो उसे भी मैं मारता। ठीक है जी, ये शिकार खेलने आए थे, मगर जो शिकार आने वाला था वो तो आया नहीं। नहीं, मेरा मतलब है मिला नहीं, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ गई। शायद पंगड़ पर पनिहारियों के घड़े भी इसीलिए फोड़ दिए थे। क्यों? फोड़ता नहीं तो क्या करता? उन्होंने हमारे घोड़ों को पानी क्यों नहीं पिलाया? हाँ, क्यों नहीं पिलाया? वो तुम्हें पानी क्यों पिलाती? वो हमारी प्रजा है या तुम्हारे बाप की नौकरानी? क्या कहा? मैं कह देता हूँ, बाप तक न पहुँचो वरना बुरा होगा। क्यों न पहुँचे? हाँ, हम भी उरई के पाठवी हैं, हम क्या किसी से डरते हैं बेवकूफ? कहता हूँ गाली मत दो, मार मत, मेरा दांत तोड़ दूंगा गुस्से से। मार मत मुझे, मार मत, मार मत। मैं अरे भैया, अरे भैया, आज इससे बात ना करना, आज इसका दिमाग बहुत गर्म है। तो कुंवर जी का गर्मा गर्म है। माता, तू डर मत, तू डर मत नथुआ, तू ददुआ से कहना कि ये मेरे दांत तोड़ने को कह रहा था कमीना। टूट गया, टूट गया मेरा, मेरा टूट गया, छोड़ दे, छोड़ दे मेरा। अरे अरे, इसी के क्या उदल भैया? अभी तो बेचारे का नया नया ब्याह हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भाभी बेचारी। इसीलिए तो जा रहा हूं, वो लक्ष्मी जिंदा नहीं छोड़ता। जा जा, चला जा मेरे सामने से।
अभी तो हाथ ही तोड़ा, इस बार गर्दन तोड़ दूंगा। गर्दन हाथ में आने देंगे तब ना? चलो दादा, ददुआ से कह देंगे। ददुआ का बच्चा मुझे गाली देता है। अरे तुमने तो मामला ही संगीन बना दिया, अब माहिल मामा इतनी सी बात का बतंगड़ बना देंगे। चलो यहाँ से चलो ना। उन सपोलियों को दूध पिला पिला कर आपने इसलिए बड़ा कि वो कोई दशा करे? चील के बच्चों को क्या इसलिए पाल रखा है महाराज कि वो हमारा ही दोष नोच लें? बात क्या है महेश ठाकुर, देखिए क्या हालत कर रखी है इसकी। क्या हुआ है अभय कुमार को? ये पूछने से पहले अपने लाडले उदल को बुला लीजिए। क्या उदल ने कुछ किया है? कुछ किया? अजय ये पूछिए उसने क्या नहीं किया। अपने भाई की ही गर्दन काटने पर उतारू हो गया था। ये देखिए हाथ तोड़ दिया। जब इन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को गालियां दी तो मैं क्यों चुप रहता? अगर ये आगे जबान चलाता तो मैं इसकी गर्दन भी तोड़ देता। गर्दन भी तोड़ देता? उससे पहले अपनी छाती का फोड़ा क्यों नहीं फोड़ता? बुझाओं में बल है तो अपने बाप का बदला क्यों नहीं लेता? अरे मैं कहता हूँ जवानी फटी पड़ती है, फादर से टक्कर क्यों नहीं लेता? माहिर मैं समझता था बाप का बैर लेकर ये अपनी माँ की छाती ठंडी करे, मगर ये तो चला है अपने मामा से मोर्चा लेने। मैं कहता हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूं? बहुत जवामर्द बनता है तो मांडवगढ़ क्यों नहीं जाता, जहाँ इसके बाप और काका की टंगी हुई खोपड़ियाँ अपने सपूतों के नाम पर आंसू बहा रही हैं। माहिर हम वहां लड़के को पानी मत चढ़ाओ। रहने भी दीजिए, लड़कों में अगर पानी ही होता तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे कटारे बैठे नहीं है। आप कहते हैं तो मैं चुप रहता हूं। मैं भी नहीं चाहता कि विधवा के बेटे पानीदार बनकर अपने प्राण गंवाएं। चलो बेटा इसे तेरा काम है, जल्दी चलो कहीं दिन न निकल आए। फिर तूने अपना रंग दिखाया ना अन्नदाता, इसने अभी अभी एक तोता आसमान में उड़ा दिया। उड़ा दिया? समझा। इसे भी अंधेरे भोरे में डाल दो। भैया ने मुझे उतरते ही पकड़ लिया, मैंने और कोई चारा न पाकर तोते को आसमान में उड़ा दिया। ये तो और भी बुरा हुआ लाखा, अब उन्हें इंसान बनाना ज्यादा मुश्किल हो गया। क्या वो सारी जिंदगी यूं ही परिंदा बनकर भटकते रहेंगे? Thank you.
अरे तू तोता और मुझे पहचानता है? अरे भाई मगर तू है कौन? उधल, अरे तुम्हें तोता किसने बना दिया? बिजमा, क्या वो राजकुमारी? लेकिन वो तो तुम्हें चाहती थी, फिर उसने तुम्हें परिंदा क्यों बनाया? वाह रे राजकुमारी, तू भी खूब निकली, जैसा भाई वैसी बहन। भाई को बहन पर जरा भी तरस ना आया जो उसे अंधेरे भोरे में डाल दिया। मैं पूछती हूँ उसने आखिर ऐसा किया ही क्या है? उसने क्या किया है ये मुझसे पूछो। उसने वो काम किया है जो आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की ने नहीं किया। क्या? उसने माधवगढ़ की इज्जत पर बिजली गिराई, हमारी खानदानी आन और शान पर नदामत की तलवार चलाकर उसकी दज्जा उड़ाने की कोशिश की है। उसकी हरकतें इस हद तक पहुंच गई है मां, जिससे तुम्हारी कोख को भी शर्माना पड़ेगा। सुनना चाहती हो तो सुनो, उसने मोहब्बे के बनाफर सरदार के लड़के से मोहब्बत की है। क्या कह रहे हो? हाँ, जोगी के लिबास में छिपकर आए हुए दुश्मन के लड़के को चुपके से महल में बुलाया था उसने। तुमने जो कुछ किया अच्छा ही किया है, ऐसी कुल कलंकनी का तो भूख प्यास से छटपटाकर अंधेरे में मर जाना ही अच्छा है। हाँ, वो नामाकुल जोगी कहाँ है? यही तो मलाल है पिताजी, मैंने तो उसे आखिरी दम तक पहुंचाया था, लेकिन बिजमा और लाखा ने मिलकर उसमें फिर से जान डाल दी। वो तोते की शक्ल में मेरे हाथों से निकल गया और अपनी मां की गोद में सही सलामत पहुंच गया। काश काश एक मर्तबा फिर से मेरे हाथ में आ जाता। कलमुही, दुश्मन के लड़के से प्रेम करते हुए आसमान नहीं टूट पड़ा तुझ पर? अपनी मां की गोद को बदनाम करते हुए कलेजा नहीं कांप उठा तेरा? कलंकिनी, पता कि तू पैदा होते ही मर गई होती। खबरदार जो मुझे मां कहा तो, मैके की इज्जत और खानदान की शान पर कालिक पोतने के लिए ही पैदा हुई थी तू? क्या दुनिया में और सब मर गए थे जो तूने दुश्मन के गले में ही बरमाला डालने की ठान ली? रानी जी, इसमें इनका क्या कसूर? इन्हें क्या पता था कि वो दुश्मन का लड़का है? वो नहीं जानती थी तो तू तो जानती थी। तूने भी मेरे एहसानों का बदला इस तरह चुकाया? क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे क्रिया के गुस्से से बचाकर अपने पास रखा था कि मेरी ही बेटी को गुमराह करके उसे दुश्मन से मिलाए? माफ करना रानी जी, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो आप उन्हें अपना दुश्मन समझती हैं? क्या कभी मोहब्बे के सरदारों ने मांडवगढ़ पर हमला किया था? क्या कभी बना पर सरदारों ने आपके आदमियों को सताया था? उल्टे आपके बेटे ने ही उनके सुख और शांति में आग लगा दी। आप ही बताइए कि दुश्मनी की बुनियाद किधर से पड़ी, मांडवगढ़ से या मोहब्बे से? वो कुछ भी हो फिर भी एक बहादुर घराने की शत्रानी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बेटी उसके खानदानी दुश्मन से कोई ताल्लुक रखे। और एक बहादुर घराने की राजपूतानी ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बेटा मैदान में बहादुरी दिखाने के बदले चोरों की तरह छापा मारे, सोए हुए आदमियों का सर काटे और मुर्दों को बेइज्जत करे? तेरा मतलब? यही कि मैंने जो कुछ किया है वो अनजाने में किया है और भैया ने जो कुछ किया है वो जानबूझकर किया है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर कहो माँ कि तुम्हारी कोख पर कालिक लगाने का काम किसने किया है, मैंने या भैया ने, तुम्हारी बेटी ने या राजपूती कौम को गैरत के समुंदर में डुबो देने वाले तुम्हारे बेटे ने? हो सकता है, लेकिन आखिर तू चाहती क्या है? मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है, मैं तो बहुत कुछ चाहती थी मगर। क्या चाहती थी तू, जरा मैं भी तो सुनो। यही कि मैंने जिन्हें तोता बना दिया है उन्हें फिर से उनकी असली हालत पर पहुंचा दूं। इंसानियत के नाते भी ये मेरा फर्ज है। तुम्हें याद होगा माँ कि सिरौंज में उन्होंने मेरी जान बचाई थी। कम से कम इस एहसान का बदला चुकाने के लिए। मगर अब क्या हो सकता है, मैं यहां बंद पड़ी हूं और न जाने वो जिंदा भी होंगे या नहीं। वो मरा नहीं, जिंदा है, और मैं तो यही चाहती हूं कि वो जिंदा ही नहीं बल्कि इंसान बनकर अपनी असली हालत पर पहुंच जाए। माँ, ये तुम कह रही हो? तुम जो अभी अभी मुझे? मैं जो कुछ कह रही हूँ सही कह रही हूँ। मेरे बेटे ने जो काम किया है उससे मेरी गर्दन शर्म से झुक गई है।
मैं चाहती हूँ कि दुश्मन का बेटा तलवार खींचकर मैदान में आए और क्रिया से मुकाबला करे। अगर वो जीत गया तो मुझे इस बात का फख्र होगा कि मेरा बेटा लड़ाई के मैदान में बहादुरों की तरह लड़ता हुआ मारा गया, और अगर मेरे क्रिया की जीत हुई तो मेरी कोख पर लगी हुई कालिख हमेशा के लिए धुल जाएगी। दुनिया ये तो ना कह सकेगी कि बघेलों की औरतों ने चोर और डाकू ही पैदा किए हैं, बहादुर नहीं। माँ, तो क्या तुम सचमुच उन्हें इंसान बनाने का मौका मुझे दे सकती हो? हाँ, मैं सिर्फ एक रात के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका दे सकती हूँ। लेकिन एक रात में उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है? न जाने वो कहाँ होंगे। वो अपनी छावनी में अपनी माँ के पास पहुँच गया है। लेकिन छावनी में मैं कैसे जा सकती हूँ? रानी जी, ये काम मेरे जिम्मे रहा। अगर आपको मेरा विश्वास हो तो मैं धर्म को साक्षी करके और मनिया माता की कसम खाकर कहती हूँ कि राजकुमारी पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन एक शर्त पर मैं बिजमा को यहाँ से जाने दे सकती हूँ। वो क्या? अगर तू मेरे पैर छूकर कसम खाए कि उसके प्रेम को सदा के लिए भुला देगी, उसकी याद को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल देगी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये मुझसे नहीं हो सकेगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। माँ, राजकुमारी, क्या तुम ये चाहती हो कि वो जिंदगी भर तोता ही बना रहे? ये तो मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं उसके प्रेम को कैसे भुला दूं, उसकी याद को कैसे मिटा दूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा प्रेम अपने स्वार्थ को ही देखता है। नाका, जिस प्रेम में स्वार्थ के बदले त्याग की भावना हो वही प्रेम महान है। अपने प्रेमी की जिंदगी के लिए तुम्हें प्रेम तो क्या, प्राणों का भी बलिदान करना होगा। सोचने का वक्त नहीं है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। माँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। माँ, तो आओ मेरे साथ। देखो वो रही मोहब्बत की छावनी। मैं तोते को लेकर अभी आती हूँ, तुम यही ठहरो। जल्दी आना। अरे नाखा, तुम यहाँ? हाँ, मैं इस तोते को लेने आई हूँ। क्यों? इसे इंसान बनाने के लिए राजकुमारी भी मेरे साथ आई है, और वही इसे इंसान बना सकती है। तुम्हारी राजकुमारी यहाँ आई है इस वक्त? हाँ, सुबह हो रही है। अगर उदल राय अपने असली रूप में ना आ सके तो इन्हें भी रूप में रहना पड़ेगा। मगर मैं ये तोता किसी को नहीं सोच सकता, तुम्हें भी नहीं। तो तुम ही चलो तोते को लेकर मेरे साथ। हाँ, ये कुछ बात हुई तो चलो। मेरे पैर छूकर है कि उसके प्रेम को सदा के लिए भुला देगी, उसकी याद को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल देगी। Thank you.
वास्तव में सचमुच तू? तुम्ही ने मुझे परिंदा बनाया और तुम्ही ने मुझे ये लो अपनी मुंद्री। तो क्या मैं ये समझू कि खानदानी खून के जोश में तुम्हारी मोहब्बत बह गई? मोहब्बत तो हिमालय की तरह अटल होती है राजकुमार, वो बहेगी तो क्या, हिल भी नहीं सकती। तो फिर इस मुंद्री को लौटाने का सबब? इसलिए कि ये मुझे तुम्हारी याद दिलाकर कहीं अपनी प्रतिज्ञा न भुला दे। भीष्मा, मुझे जाने दीजिए। नहीं भीष्मा, तुम नहीं जा सकती। आप चले जाइए यहाँ से, कहीं मेरे कदम न डगमगा जाए। सुबह होने से पहले मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ठहरो भीष्मा, तो फिर अपना कंगन भी लेती जाओ। इसे तो आप अपने पास ही रहने दीजिए। किसी लड़की के प्रेम के बलिदान की कहानी तो सुनाया करे कहीं आपको। भीष्मा, राजकुमारी। ठहरो नाका, अब तुम राजकुमारी के साथ नहीं जा सकती। तुम महबे की हो, तुम्हारा फर्ज अपनी जन्मभूमि की तरफ है। महबे के बहादुरो, आज बरसों के बाद ये दिन आया है जिसे देखने के लिए मेरा दिल तरस रहा था। इस मौके पर हमें लाखा को धन्यवाद देना चाहिए जिसने दुश्मन के बीच में रहकर महबे की सेवा की है। अब मनिया माता की कृपा से जीत हमारी होगी। फौज को दो हिस्सों में बांट दो, मैं लाखा और उधर को लेकर सुरंग के रास्ते से जाती हूँ, तुम तीनों किले पर हमला कर दो। मनिया माता की जय! मनिया माता की जय! मनिया माता की जय! सरकार, लड़ाई तो शुरू हो गई, हमें किस तरफ चलना है? हमें औरई की तरफ। औरई की तरफ? हाँ हाँ, कहे अपने घर की तरफ। माहिल राय परिहार लड़ते नहीं, दूसरों को लड़ाकर दूर से ही तमाशा देखते हैं। चाल चाल मेरी नीली घोड़ी ला। चल चल। बहादुरों तैयार रहो, अपनी बहादुरी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो। अनुपीमल, यहाँ की फौज की बहादुर तुम्हारे हाथ में। दरवाजे पर सैनिकों का पूरा बंदोबस्त हो गया है, अब दुश्मनों को शहर में दाखिल होने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। शाबाश। मनिया माता की जय! मनिया माता की जय! सीरी को मजबूती से लगा कर किले पर चढ़ जाओ। आ!
तेल दो। रिया भाग नहीं पाए, उसके पास नौला खा रहे। मैं परीक्षा को खाती के पास जाती हूँ। माता की दया से मांडोगढ़ फतेह हुआ है, लेकिन हमारा बैर मांडो की प्रजा से नहीं किरिया से है, और वो बैर सूद के साथ वसूल हो चुका। यह का सर, आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, और यह नौलखा हार। बदला न दे सकी रानी जी, मेरी बस आपसे एक ही मांग है, अगर वो मिल जाए तो मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। बिजमा को अपनी बहू बनाना और उदल राय एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन एक बैरी की कन्या से बैर की लाश पर
प्रेम की समाधि बना, उस पर मेल मिलाप और हस्त मिलाप के दो फूल चढ़ा। लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ? तुम्ही ने तो मुझसे वचन लिया था और मैं ही तुझे अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त करती हूँ। बेटी, बैर की आग में सब कुछ तो जल गया, अब तो यही अच्छा है कि दोनों खानदान आपस में प्रेम बंधन से बंध जाए और मैं भी सती होने से पहले तेरा और उदल का हस्त मिलाप देख लूं। नैनों से नैना मिले, मिले प्राण से प्राण, बोली चढ़ बिज माँ चली, लिए पिया का ध्यान। रहे समंदर में जब तक जल, जब तक रहे सूरज अरु चंद, तब तक नाम अमर उदल का, अमर रहे आला के चंद। जो चांदनी में खिल रहा, जो चांदनी में खिल रहा, फूल फिर बहार का लगता मधुर, लगता मधुर मधुर मुझे बंधन तुम्हारे द्वार का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड